वेलकम टू माई न्यू वीडियो. सो टूडे इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन चैप्टर ऑफ क्लास 10th ICSE. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो. सो फर्स्ट हम रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस को पढ़ेंगे, देन एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, देन फर्दर चैप्टर को बिगिन करेंगे. देन फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है इन रिफ्लेक्शन चैप्टर में? कोऑर्डिनेट एक्सिस जब दो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस मीट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. जैसे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये क्या हुआ हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस. देन है हमारा एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसका जो सेकेंड नेम है वो है एब्सिस्सा. नेक्स्ट इज वाई एक्सिस. ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसका जो सेकेंड नेम है वो है ऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस का जो सेकेंड नेम है वो है एब्सिस्सा, और वाई एक्सिस का जो सेकेंड नेम है वो है ऑर्डिनेट. देन सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए -3,4, देन इट्स एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट विल बी. सपोज करो कि हमें पॉइंट ए के ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3,4. अब इसमें एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? एब्सिस्सा मीन्स एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस. इसे याद रखने के लिए आप एक चीज़ याद रखो कि अल्फ़ाबेट्स में एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है. ऑब्वियसली तो -3 क्या हुआ हमारा एक्स, मीन्स एक्स एक्सिस और एब्सिस्सा, और 4 क्या हुआ हमारा वाई एक्सिस मीन्स ऑर्डिनेट. ठीक है, एक्स एक्सिस हमारा -3 और वाई एक्सिस हमारा +4. देन ये कुछ बेसिक रूल्स हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर के. फर्स्ट रूल है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इक्वल्स टू 0,0. अब पहले बात ये बात आती है कि ओरिजिन क्या होता है. ये देखो, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन. ये जो मैंने ओ लिखा है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है. ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है. ठीक है, अब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं? रीजन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0. देन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x,0. देन कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के मीन्स ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,y. मीन्स एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस पे एक्स तो पहले हम लिखेंगे ही लिखेंगे, वाई की प्लेस पे हमने जीरो लिख देना है. और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वाई तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे वाई की प्लेस में, बट जो एक्स की प्लेस में हम जीरो लिख देंगे. तो ये है हमारे ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कुछ कोऑर्डिनेट्स. देन है हमारा रिफ्लेक्शन. सपोज हमें ये एक प्लेन मिरर दिया हुआ है और ये जो हमारा पी है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है. पी x,y ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब हमें पता करना है कि P की रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी. जितना डिस्टेंस प्लेन मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट P तक का है उतना ही डिस्टेंस प्लेन मिरर से लेकर पीछे तक का होगा. वहाँ पे P की P'x'y' इमेज फॉर्म होगी. अब P'x,y की इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई. जितना ही डिस्टेंस प्लेन मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट P तक का था उतना ही पीछे का डिस्टेंस प्लेन मिरर से लेकर यहाँ तक का होगा. ये यहाँ पे हमारी क्या होगी? इमेज फॉर्म. ठीक है, देन कुछ रूल्स आगे हैं. रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस. अगर हमें दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू 0, तो हमने बस याद रखना है कि वो उसका मतलब है y एक्सिस. अगर हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल्स टू 0, तो उसका मतलब है y एक्सिस. अगर दिया हुआ है y इक्वल्स टू 0, देन उसका मतलब है x एक्सिस. और अगर दिया हुआ है हमें x इक्वल्स टू 0, देन उसका मीन है y एक्सिस. मीन्स ऑपोजिट है. अगर y इक्वल्स टू 0 है देन x एक्सिस आ जाएगा, अगर x इक्वल्स टू 0 है देन मीन्स उसका y एक्सिस आ जाएगा. ऑपोजिट है, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस. देन व्हेन अ पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस साइन ऑफ इट्स एब्सिस्सा चेंजेस. अगर पॉइंट y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा, अगर पॉइंट y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा देन एब्सिस्सा का साइन चेंज होगा. एब्सिस्सा का मीन्स x एक्सिस का साइन चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2,3 इन y एक्सिस. अब y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है ये दो पॉइंट्स की, 2,3 की. देन
हमारा साइन किसका चेंज होगा, एक्स एक्सिस का, मीन्स टू का साइन चेंज होगा, ये प्लस का था इधर आकर माइनस का बन गया, ठीक है। जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो एप्सिसा का साइन चेंज होगा, मीन्स एक्स का चेंज होगा, ये एक्स था और ये वाई था, वाई पे रिफ्लेक्ट हुआ तो एक्स का साइन चेंज होगा, ठीक है। हम बात करेंगे व्हेन अ पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा एक्स एक्सिस पे देन ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्शन पड़ी, मीन्स 2.6, देन किसका साइन चेंज होगा, ऑर्डिनेट का, मीन्स वाई एक्सिस का, ये था एक्स और ये था वाई, रिफ्लेक्शन किस पे पड़ी, एक्स एक्सिस पे, देन वाई का साइन चेंज होगा, ये प्लस का 6 तो इधर माइनस का 6 बन गया। देन है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजन, अगर ओरिजन पे रिफ्लेक्शन पड़ी देन क्या होगा, व्हेन अ पॉइंट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजन द साइन ऑफ एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ विल चेंज। अगर कहते पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ ओरिजन पे देन एप्सिसा का भी साइन चेंज होगा और ऑर्डिनेट का भी साइन चेंज होगा, मीन्स दोनों का साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2.3 इन ओरिजन, अब 2.3 दिया हुआ है, अब ये पॉइंट रिफ्लेक्ट करे ओरिजन में, देन किसका साइन चेंज होगा, ऑर्डिनेट का भी और एप्सिसा का भी, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3। देन है हमारा इनवेरिएंट पॉइंट, एनी पॉइंट रिमेन अनचेंज्ड अंडर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होते हैं, जो अनचेंज ही रहते, मीन्स कुछ जो चेंज ही नहीं होते उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 5.0 पॉइंट रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, अब ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुए हैं एक्स एक्सिस पे, अब हमने पीछे ही करा था जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं देन किसका साइन चेंज होता है, ऑर्डिनेट का, अब यहाँ पे ही ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, मीन्स जीरो का साइन चेंज होगा, माइनस जीरो हम कंसीडर करते हैं जीरो पे ही, पॉजिटिव जीरो में ही, ठीक है। मीन्स 5.0 तो 5.0 ही रहा, इसकी तो कोई मीन्स कोई पॉइंट ही नहीं चेंज हुआ, तो इसे इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट। देन यूजिंग ग्राफ पेपर रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a, देन x इक्वल्स टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमें ग्राफ पेपर में दिया हुआ है कि रिफ्लेक्शन पड़ रही है पॉइंट लाइन पे x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a अगर दिया हुआ है देन लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, ठीक है, y एक्सिस पे, y एक्सिस के लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू a देन वो लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर x इक्वल्स टू a हुआ देन y के पैरेलल लाइन होगी, अगर y इक्वल्स टू a दिया हुआ देन x के पैरेलल लाइन होगी। अब हम कुछ रिफ्लेक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फॉलिंग अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, अब रिफ्लेक्शन पड़ रही है एक्स एक्सिस पे तो किसका साइन चेंज होगा, ऑर्डिनेट का, वाई एक्सिस का, 3.2 इसमें ऑर्डिनेट क्या है 2, मीन्स वाई एक्सिस का साइन चेंज होगा, मीन्स ऑर्डिनेट क्या है हमारा 2, देन माइनस 2, मीन्स ऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पड़ी। देन सेम वे में ये भी ऐसे ही करनी है, अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है वाई एक्सिस पे, जब वाई एक्सिस पे पड़ रही थी रिफ्लेक्शन तो किसका साइन चेंज होगा, एक्स एक्सिस का, 6.-3 गिवन था तो किसका साइन चेंज होगा, अब एप्सिसा का, क्योंकि अब ऑर्डिनेट पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो ऑब्वियसली एप्सिसा का साइन चेंज होगा, प्लस का 6 तो माइनस का 6 बन गया। सेम वे में ये दोनों भी ऐसे ही करने हैं। अब रिफ्लेक्शन पड़ रही है ओरिजन पे, हमने पीछे ये तीनों किए थे, जब ओरिजन पे पड़ेंगी तो किसका साइन चेंज होगा, दोनों का, एप्सिसा का भी और ऑर्डिनेट का भी, जैसे कि -2.-4 दोनों का साइन चेंज होगा 2.4, -2.7 दोनों का साइन चेंज होगा, ये -2.7 माइनस का 2 प्लस का 2 में चेंज हुआ और प्लस का 7 माइनस में चेंज हुआ, जब ओरिजन पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो दोनों का साइन चेंज होगा, ऑर्डिनेट का भी और एप्सिसा का भी। अब हमें दिया हुआ है स्टेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलिंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स इन वाई एक्सिस, ये भी हमने किया था, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो दिया होगा देन वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा देन किसका साइन चेंज होगा, एप्सिसा का, -6 तो +6 में आ गया, ये भी ऐसे ही करनी है। अब सेम वे में वाई इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है देन उसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स किस रिफ्लेक्शन पड़ रही है एक्स एक्सिस पे तो साइन किसका चेंज होगा, ऑर्डिनेट का, तो ऑर्डिनेट क्या मीन्स हमारा वाई का साइन चेंज होगा,
तो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, ये पॉजिटिव ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस ज़ीरो एज अ कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव ज़ीरो, ठीक है। अब हम एक टफ क्वेश्चन की बात करते हैं। द पॉइंट ए माइनस थ्री कॉमा टू इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ए डैश। पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं माइनस थ्री कॉमा टू, ये रिफ्लेक्ट हुए एक्स एक्सिस पे, देन ए डैश बन गए। जब रिफ्लेक्ट हुए तो इसकी जो इमेज थी वो ए डैश बन गई, ठीक है। उसके बाद ये ए डैश देन रिफ्लेक्ट हुए ओरिजिन पे, देन ए डैश की इमेज क्या बन गई, ए डबल डैश। तो हमने क्या लिखना है, राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे पहले। तो कैसे लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश रिफ्लेक्टेड पॉइंट इन एक्स एक्सिस। अब देखो पहले कोऑर्डिनेट्स जो ए थे माइनस थ्री कॉमा टू एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किए, जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किए मींस किसके साइन चेंज हो गए, ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा मींस वाई वाई का साइन चेंज होगा, ये प्लस का था तो माइनस का टू बन गया। नेक्स्ट इसके बाद ये इसके बाद मींस ए डैश हमारी बन गई, अब ए डैश रिफ्लेक्ट हुई ओरिजन में, देन ए डबल डैश बन गई। अब इसके बाद ये जो था ये ओरिजन पे रिफ्लेक्ट हुआ, ओरिजन पे जब रिफ्लेक्ट होता है तो एब्सिसा का भी साइन चेंज होता है और ऑर्डिनेट का भी, माइनस का थ्री प्लस का थ्री माइनस का टू प्लस का टू, देन ए डबल डैश के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो है थ्री कॉमा टू। देन सेकेंड इन्होंने पूछा है राइट डाउन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ए डबल डैश। अब ए से ए डबल डैश में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ए से ए डबल डैश कैसे हुई, एक्स एक्सिस थे एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पड़ी तो वाई एक्सिस के साइन चेंज हुए, देन रिफ्लेक्शन किस पे होगी, द रिफ्लेक्शन इज इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्ट तो पॉइंट हो रही है एक्स एक्सिस पे, देन पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे, बट जो साइन है वो आई वाई एक्सिस के चेंज होगी, जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो वाई एक्सिस के साइन चेंज होगी, देन इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन की वो है इज इन वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम एक ग्राफ क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें दिया हुआ है ऑन अ ग्राफ प्लॉट द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर एट द पॉइंट्स ए के बी के और सी के वर्टिसेस दिए हुए हैं ऑन द सेम डायग्राम मींस ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ओ 0.0। अब पहले हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे एबीसी को ग्राफ पेपर पे। ए क्या है 3.1, 3.1 मीन्स 3 क्या है हमारा x और 1 क्या है हमारा y, तो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, तो 3 कहाँ पे x एक्सिस पे, ये है हमारा 3 और 1 कहाँ पे है y एक्सिस, ये है हमारा 1, तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो गया a इज 3.1। b हमें दिया हुआ है 5 and 0, ये है 5 है हमारा x 0 है हमारा y, मीन्स ये है हमारा x एक्सिस पे हमारा 5 ये है और y एक्सिस पे वो जो जीरो है वो ये है, देन पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा 5.0, देन x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे 4, 7 कहाँ पे है यहाँ पे और 4 कहाँ पे यहाँ पे, देन c पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। अब हमने a b c पॉइंट प्लॉट कर दिए। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे पूछा है हमें कि सेम ही ग्राफ पेपर पे a b c जब ए बी सी पे जब रिफ्लेक्शन पड़ी ओरिजन में मींस दोनों के साइन चेंज हो गए एब्सिसा के भी और ऑर्डिनेट के भी, देन उसका ट्रायंगल अब बनाओ। ओरिजन में ए क्या था 3.1, दोनों के साइन चेंज हो गए मींस -3, -1, जब ओरिजन में चेंज होते हैं ओरिजन पे जब रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो दोनों के साइन चेंज हो गए एक्स के भी और वाई के भी, ठीक है। एक्स क्या था 3, वाई क्या था 1, पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1, देन -3 दोनों के साइन चेंज होंगे -3 and -1, एक्स -3 और वाई -1, तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा, ठीक है। देन बी था हमारा 5.0 -5 एक्स पे और 0 पे, यहाँ पे -5, -0 मीन 0 ओनली। देन सी था हमारा 7.4, दोनों के पॉइंट चेंज हो गए -7, -4, -7 x एक्सिस पे यहाँ पे और -4 y एक्सिस पे यहाँ पे, देन ये भी हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमने ग्राफ क्वेश्चन को करना है। सो फाइनली विद दिस हमारा रिफ्लेक्शन चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।